यूरोपीय संघ ने 2035 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पर समझौता किया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है। वहीं यूरोपीय संघ के देशों के वार्ताकार और यूरोपीय संसद इस बात पर सहमत हुए हैं कि कार निर्माता को 2035 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 100% कटौती हासिल करनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे यूरोपीय देशों में जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को बेचना असंभव हो जाएगा। वहीं संसद के प्रमुख वार्ताकार जान हुइतेमा ने कहा कि ये प्रतिबंध कार चालकों के लिए अच्छी खबर है। नई शून्य उत्सर्जन वाली कारें सस्ती हो जाएंगी, जिससे वे अधिक किफायती और सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगी। वहीं यूरोपीय संघ की जलवायु नीति के प्रमुख फ्रेंस टिमरमैन ने कहा कि समझौते ने उद्योग और उपभोक्ताओं को एक मजबूत संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोप शून्य उत्सर्जन गतिशीलता में बदलाव को स्वीकार कर रहा है। इस समझौते से 2030 से बेची जाने वाली नई कारों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 55% की कटौती भी शामिल है।